Hi guys! Welcome to our channel. This is Srishti. And I'm Sunny. And we are Mad Magnets. Alright, दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं Mystery Riddle Challenge. हाँ, so guys, ये वीडियो ना बहुत चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे ऐसी रिडल सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे साथ साथ आपका भी ना सर चकरा ही देंगी. और हम देखते हैं आज की हम में से किसका IQ लेवल ज्यादा है. खैर वो तो पता चली जाए. ये मैं हमेशा उंगली अपनी तरफ करता हूँ और वीडियो में ये जाती आज मैं उंगली ऊपर करने वाला हूँ. इसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं. मेरा IQ लेवल मुझे पता है, अच्छा है, ठीक ठाक है. और हाँ, आप कितना IQ लेवल जरा बताना सबको. ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी हमारे साथ ये रिडल्स खेलनी है और जितने भी आपके आंसर होंगे हमें कमेंट करना और आप भी चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं. हाँ, देखते हैं. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके हमें सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन आल्सो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिडल से. मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. आंसर जब देखना तब पता लगेगा. चलिए आप भी तैयार हो जाइए, बहुत ही सर घुमाने वाली रिडल होने वाली है. अपनी वीडियो की तरह सिक्योरिटी रूम में गार्ड्स बैठे होते हैं और बैंक्स के लॉकर्स की निगरानी कर रहे होते हैं. वो तीन बैंक के सीसीटीवी को देख रहे थे, तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है कि तीनों में से एक कैमरा हैक हो गया है. लेकिन कौन सा कैमरा? क्या आप इन लाइव सीसीटीवी फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कौन सा कैमरा हैक हो गया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं. क्या हो सकता है ये? देख रहे हो पहले वाले में मछली घूम रही है. हाँ. दूसरे वाले में मछली नहीं घूम रही है. ओके. तीसरे वाले में भी मछली घूम रही है. और चलिए दूसरा देखो पहले वाले में तो ये ऑरेंज वाला ऊपर होता है. ऑरेंज वाला ऊपर होता है. दूसरे वाला तो गलत ही है. सैफ्रन कलर नहीं, ये बीच का. हाँ, ये वो भी गलत है. अरे नहीं, मैं कलर की बात कर रहा था यार. एंड द थर्ड वन इज कि ये जो ये अशोका चक्र गलत है. यही गलत है. लेट्स सी. तो इसमें तो सारे गलत है. हाँ, तो इसने यही तो कहा ना कि तीनों में क्या गलती है, तीनों बच्चे नलायक हैं. पता नहीं कैसे बच्चे हैं कि इन्होंने पूरे गलत होना है. कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? ये तो तीनों ही गलत है ये तो. देखते हैं. हाँ. क्या हमारे आंसर सही है कि नहीं? नहीं तो ऑब्वियसली सही तो है ही. नहीं, जो हमने रीजन दिया है. ओहो, चलिए इसका आंसर देखते हैं. दोनों ने ऑरेंज और ग्रीन कलर को उल्टे कर दिए है. दोनों ने अशोक चक्र ही नहीं बनाया है और रानू ने अशोक चक्र में बस चार लाइंस बनाई है. उसमें 24 लाइंस रहती है. सारे मैंने आंसर सही किए. -10 आउट ऑफ. अगली पहेली देखते हैं. मेहुल को नदी पार करना था. पास में एक बोट थी. मेहुल डिटेक्टिव है. लोग थे और एक गाय भी थी. हाँ, उसी को पार करना है ना. जैसे ही बोट निकलती है, बोट वाला कहता है कि बोट का वजन बहुत बढ़ गया है. अब अगर 100 ग्राम वेट भी बढ़ा तो बोट डूब जाएगी. अगर गाय पॉटी करी तो पॉटी तो पेट में ही है ना, तो उससे बाहर निकालो चाहे कुछ भी करो. माय गॉड, अगर ये आंसर हुआ ना सर, नहीं तो देन हैट्स ऑफ टू यू. यार लिटरली यही होना चाहिए. लेट्स सी. यार उससे वजन थोड़ी बढ़ेगा. बट मुझे लगता है ये आंसर ये नहीं होगा. बिकॉज यार उसने कहा है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता. मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी जब उसने गोबर कर दिया है तो मेहुल जो डिटेक्टिव है अपनी जैकेट उतार के फेंक दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए. ये सबको बताने वाली है इसका IQ लेवल आज क्लियर. यार मेरे दिमाग देखो मैं कुछ ज्यादा यार कुछ और हुआ तो मैं कह नहीं सकता लेकिन आई एम 100% श्योर इससे तो वजन नहीं बढ़ेगा ना. देखते हैं पेट की पॉटी वजन कैसे बढ़ा सकती है क्योंकि उसने तो ऑलरेडी सेम वजन है ना वो. अच्छा, मुझे भी यही लग रहा है यार, मैंने क्या कर दिया मतलब. चलिए इसका आंसर देखते हैं. बोट नहीं डूबेगी. हाँ? ये पॉटी कोई बाहर से नहीं आई है. पहले देखा मैंने कहा था ना. चलिए अगली पहेली. मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आंसर दे दिया. बड़ा वो था, रैंडम था. नेक्स्ट. अच्छा ठीक है. मेरा आज टेंशन में थे. यूएस वाले क्लाइंट का अर्जेंट काम था. उन्होंने चंदन को दिया था. मिस्टर मेहरा चंदन के डेस्क पे जाके देखते हैं तो चंदन हंस हंस के किसी के साथ फोन पे बातें कर रहा होता है. अच्छा. ये देख मिस्टर मेहरा को गुस्सा आ जाता है. चंदन कहता है
कि वो तो क्लाइंट से बात कर रहा है। चंदन बड़ा चला क्या तो मेहरा को अपना फोन दिखाता है। मिस्टर मेहरा तुरंत समझ जाते हैं कि चंदन झूठ बोल रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? यूएस क्लाइंट, अगर यूएस का वो क्लाइंट है तो ये प्लस 91 कैसे होगा, राइट? क्योंकि प्लस 91 इंडिया का कोड होता है। ये तो मुझे पता यार, ये रिडल इतनी ज्यादा सर चकरा नहीं रही है जितना मैंने सोचा था। नहीं यार, पता है क्या, हम दिमाग बहुत है मुझे लगता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नहीं, मैं इन रिडल्स में हमेशा ही फिसलती रहा हूं। यूएस क्लाइंट करके सेव करके रखा है। यूएस क्लाइंट के नीचे नंबर देखिए, प्लस 91 है और वो तो इंडिया का कोड है, यूएस का कोड नहीं। नंबर भी देख रहे हैं, 1 2 3 पर 5 6 7 8 9 नहीं कर रहा था और ये मिस्टर मेरा समझ जाते हैं। अब बॉस के सामने करेगा तो बॉस पहले देखते हैं। ओके, मुझे लगता है ना मेरे को ना उसमें डिटेक्टिव में हो जाना चाहिए यार, मेरा तो आईक्यू गाय वाला सिंपल आंसर नहीं दिया भाई, डिटेक्टिव बनना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल अपने फ्रेंड्स को, बढ़िया है बोमकेश बक्सी। एक फोटो डाउनलोड करता है और उसको एडिट करके उसमें एक स्पेसशिप डाल देता है। अच्छा जी। अगले दिन वो फोटो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसने कल स्पेसशिप देखी। उसके फ्रेंड तुरंत समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं फ्रेंड को कैसे समझा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्या है? मतलब रात का डिटेक्टिव की पोस्ट कैसे गई? रात का टाइम भी है। हाँ, चांद है। चांद है तो चांद के साथ स्पेसशिप है, स्टार्स भी हैं। क्या है मतलब ये हमें बताना है कि फोटो एडिटिंग है, ये कैसे पता लगेगा? मतलब इसने कहा कि इसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैंने स्पेसशिप देखा है जो इसने फोटो लिया। अच्छा, फोटो इसने अगर क्लिक करी है, अगर इसने फोन से फोटो क्लिक करी है तो क्या इतनी क्लियर फोटो आ पाएगी स्पेसशिप की और मून की? यार ये रीजन नहीं लग रहा मुझे सिस्टी। या मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हूँ या मेरा दिमाग इतना हाई लेवल का है कि इस छोटी सी रिडल्स के लिए नहीं। क्या डार्क नहीं है, ब्लू है, रात का टाइम है और ब्लू है, ये रीजन हो सकता है। समथिंग स्पेशल ये जो फोटो में है ना, जो मतलब इसके फ्रेंड्स है, इसके फ्रेंड्स ने पता लगा लिया, हमें नहीं पता चल रहा। यार मुझे तो सिर्फ एक ही रीजन लग रहा है कि ब्लू स्काई दिख रहे हैं रात के वक्त भी, दैट माइट बी द रीजन। और मेरा ये रीजन है कि अगर इसने रात में अपने फोन से फोटो क्लिक करी है तो फोन से एकदम इतना क्लियर कैसे आ गया, क्योंकि फोन का जो कैमरा होता है वो इतना अच्छा तो होता नहीं कि इतनी क्लियर फोटो कैप्चर। यार ये भी एक बात हो सकती है, ऑब्वियसली आंसर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, नॉट श्योर, देखते हैं ना। बताओ बताओ आंसर। सात सेकंड से कितने ज्यादा टाइम ले लिया हमने। फोटो में चांद के ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं। अच्छा, अर्थ से नियरेस्ट मून है और स्टार्स उससे पीछे है, तो स्टार्स मून के सामने नहीं आ सकते, राहुल का पोपट हो जाता है। क्या सनी, इतना सनी पता यार। मतलब तो यार कह मैं कह सकता हूँ, मैं और भी थोड़ी देर सोचता ना तो भी नहीं सोच पाता है। आज ये सबको बता रही है राहुल का पिक्चर लेता है और उसको एडिट करके मूविंग स्पेसशिप के तीन पिक्चर बना लेता है और फिर अपने दोस्तों को ये तीनों पिक्चर्स दिखाते हैं। उसके फ्रेंड फिर समझ जाते हैं कि ये फोटोस फेक है। कैसे? क्या आप इसे फिर से वही किया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, इसने एक ही रिडल्स में दो डाल दी है ना। अब हम वो पिछले वाला जो उसने आंसर दिया वो तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये भी मैं दे पाने वाला। ये तो हमारी झंड हो रही है। कोई बात नहीं भाई, अभी इसी से आंसर जान लेते हैं क्योंकि हमें तो नहीं आ पा रहा है। बता दो क्या ये, लेट्स सी, चांद की साइज की शेप का लग रही है। शेप का साइज देखिए, पहले इसमें छोटा है, देखा, इसमें बड़ा हो गया और फिर छोटा हो गया। मुझे होते होते ही साइज बदल रहा है। एग्जैक्टली, राहुल से एडिटिंग में मिस्टेक हो गई। मतलब लास्ट मोमेंट परफेक्ट एडिटिंग करता है वो, कल वाली फोटो मतलब मैं श्योर नहीं था। इस बार स्पेसशिप को एकदम परफेक्टली सेट करता है, ठीक है, और ये तीनों फोटोज वापस अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन उसके दोस्त फिर समझ जाते हैं। ये बेचारा बार बार पागल लग गया, ये क्यों जा रहा है? क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी? एक सेकंड यार, मैं गिव अप कर रही हूं, मुझे नहीं लगाना था दिमाग यार। कल की फोटोज और आज की फोटोज में मून एकदम सेम है। अब मून दोनों दिन सेम तो रह नहीं सकता, उसी से उसके दोस्त समझ जाते हैं। चलिए अगली पहेली। वैसे बात तो सही है लड़के की यार, यार ये तो बेइज्जती हो रही है यार। एटलीस्ट मैंने जाते जाते एक आंसर दे पाया। मैं
खरीदने के लिए एक ओपन फ्लावर शॉप में जाता है। अच्छा। वहाँ बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्लावर होते हैं। वो सभी फ्लावर्स को देखता रहता है, तभी उसका ध्यान एक फ्लावर पे जाता है और वो कहता है ये नकली है। कौन सा फ्लावर देखा रोहन ने और उसे कैसे समझा कि नकली है, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मतलब इसमें से कौन सा फ्लावर नकली है, देखा है इनमें से कौन सा फ्लावर है जो नकली है? मेरे ख्याल से सब सनफ्लावर yes. नहीं उगता ना? नहीं, क्यों बताओ 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 क्यों गलत है? मैंने ऐसे रैंडम आंसर दिया है। द आंसर इज सनफ्लावर, बट क्यों? स्कूल में हमेशा से सिखाया जाता था हमें। अरे या सनफ्लावर का जो हेड होता है, मतलब जो उसकी शक्ल होती है, शक्ल वो सनफ्लावर के होते हैं क्योंकि वो सन के साइड होता है। एग्जैक्टली, लेफ्ट में और सनफ्लावर है राइट में। लेफ्ट राइट समथिंग ऐसे ही कुछ सन लेफ्ट में दिख रहा है और या लेट्स सी उसका फेस दूसरी साइड है। डिटेक्टिव की पोस्ट पक्की। इसने बोला सनफ्लावर, पता नहीं था इसे याद नहीं दिलाता तो इसको याद नहीं आना। आंसर देखते हैं, सनफ्लावर का फ्लावर नकली है। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ होता है। ये भी सही दिया मैंने, याद दिलाया मुझे स्कूल वाली बात तब जिसे समझ आया। से नेक्स्ट, आपके सामने ये चार डॉट्स हैं और तीन लाइंस हैं। क्या ये तीन लाइंस को यूज करके आप चारों डॉट को कवर कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आई कैन या अगर मैं इसको उठा के एक को ऐसे रख दूं, एक को ऐसे वर्टिकली, एक को ऐसे रख दूं और एक को ऐसे रख दूं vertically and then ऐसे and then ऐसे, हाँ एक diagonally, एक मतलब दोनों horizontally रखूँगा मैं और एक रख दूँगा ऐसे horizontal, मैं vertical। मुझे शायद दो की भी तीनों की भी जरूरत ना पड़े, दो में कर सकता हूँ मैं ना, because I will put it like this। Yeah, let's see। लेकिन मुझे लग रहा है तीनों का यूज करके इसने कहा कि और मेरी शायद ओवरलैपिंग चारों का यूज हो सकता है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो, ट्रायंगल बनाना है क्या? एक सेकंड ना, मैं एकदम पूरा अपना ओके आई गॉट इट ओ गॉड पहले वाला जो होगा अच्छा वो ट्रायंगल जाएगा। देखो पहला ऐसे, ठीक है नहीं ऐसे नहीं, हम देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा कि भाई इसने ढूंढ निकाला है आंसर, देख मुझे लग रहा है कि तीन यूज कह सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल, इसका आंसर देखते हैं। देखते हैं, तीन लाइन से स्क्वायर तो बन नहीं सकता, सिर्फ ट्रायंगल बन सकता है। अच्छा, लेकिन ट्रायंगल से इन चारों डॉट्स को छुपाया जा सकता है। ओके, इस तरह से था ना ये इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, मतलब मैंने आंसर दिया बट उसका वो नहीं कर पाई मैं एक्सप्लेन। वो मैं बताता हूं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये सिर्फ एक तुक्का था, तुक्का था बट वो तुक्का ना लगा नहीं, लॉजिकल कोई नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एमसीक्यू में पास हो जाते हैं तुक्के की वजह से, क्योंकि इन लोगों को ना एक बार मिल जाता है या तो स्क्वायर नहीं तो ट्रायंगल नहीं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। मेरे सारे एमसीक्यू तो ऐसे ही होते हैं, ये नहीं तो ये सही। इन पर इनसे लॉजिक पूछ ले, इनको पता ही नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आंसर देना, और आंसर सही हो। और हम जैसे लोग इनके एमसीक्यू कभी ठीक ही नहीं होते और वो नेगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं। स्कूल में डेली टिफिन बॉक्स चोरी हो रहा था, कोई टिफिन पूरा खा लेता था और खाली टिफिन बाहर मिलता था। अच्छा। ये होगा, ये यहां बैठा है। मंडे को मरन का टिफिन चोरी हुआ, ट्यूसडे को तन्मय का, वेंसडे को वेस्ली का, और थर्सडे को तान्या का। अच्छा। तो सोचिए और मुझे बताएं फ्राइडे को किसका टिफिन चोरी हो सकता है? हे मोहन, तनु, सी फहद या दिया नामी का? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यार ये सही लग रहा है, और इसका आंसर तो यही दे पाएगा क्योंकि स्कूल टाइम पे ये टिफिन चोर होता था, तो आप ही बता दो आंसर। यार ऐसे कह रहे हो, इसके सारे टिफिन मैंने चुराए हैं। सारे क्या, मैंने कुछ नहीं चुराया। आंसर आप ही दो मेरे ख्याल से। देखो मनन में वैसले कुछ ने कुछ रुको एक 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 आगे का मोहन क्या एक सीक्वेंस बन रहा है इसमें ना, देखो M A N T A N नहीं, देखो M T V T तनु T A N U अनामिका, मैं अनामिका कह रही हूँ बस खत्म। नहीं यार कुछ तो होगा ना, P Q R S T U V W M A N A Y E L अनामिका। Do you see a pattern, हर जगह A N वैसले में A N नहीं है, वैसले में नहीं है ना, ए एन तनु, तनु हो सकता है क्या यार? आप तनु कह लो, मैं अनामिका, ठीक है लेट्स सी किसका सही होता है। यार वैसे इसका आंसर इसी को आना चाहिए था गाइस, ये टिफिन चोर है था, सॉरी। इसको बड़ा बताइए, मेरी क्लास में दिया है ना, और इसके तो चुराता था बर्थडे में। सही कह रहे हो आप, अनामिका, मैं ना, मेरा आंसर अनामिका है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वही वाला तुक्का वाला चला रही हूँ। यार आप आंसर जल्दी दो, तनु, लोग इतना तनु ले लो यार, श्योर नहीं हूँ।
तनु अब इसका एमसीक्यू में कभी पास नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ जब भी तुक्के तुक्के लगाए मैंने बहुत 20 out of 20 कभी भी एमसीक्यू में तुक्के लगाने में पास नहीं हुआ इस बार भी नहीं होने वाला देखते हैं मंडे का फर्स्ट लेटर है एम और आप देखेंगे उस दिन मनन का टिपिंग चोरी हुआ इतना इजी आंसर तो तन्मय का चोरी हुआ और वेस्ली का टिपिंग तो वेस्ली का तो एफ से फहाद है मतलब एफ से शुरू अनामिका बच गई तुम्हारा तन्नु बच गया और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं यार कौन सा है कौन सा कपल मर्डरर है ये रहा ना ये क्या ये हाथ कैसे निकल कर आ रहा है ये हाथ किसका है ये हाथ ही फिशी पहले तो मुझे लगा उस लड़की का था बट देन आई थॉट नहीं लड़की का हाथ इतना बड़ा कैसे हो सकता है हां ये मेरे को भी अभी नहीं बट जरूरी भी है ना क्या पता यहां पे ब्लड है हां बट नहीं 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 ए में जो ब्लड है ना वो केचप का है वो देखो नीचे बॉटल है वो देखो ना बॉटल है हां एंड बी में इनकी आप फोटो भी देखो कितनी गंदी दैट ब्लड इज नॉट ब्लड दैट इज अ केचप हां एंड फिर तो यही है बी है बी है भाई इसमें हमने रीजन अच्छा सा दिया है बी हाँ मैंने सॉस नहीं देखी थी ऑब्वियसली मैंने बॉटल देखी हाँ देखते हैं ये सही होता है 7 सेकंड से तो हर बार ज्यादा लिए और इसमें कपल बी मर्डरर है ये इसके ट्रैकिंग टेबल को ध्यान से देखिए एक हाथ बाहर निकला हुआ है एक तो मैं जरूर वहां पे डेड बॉडी होगी ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब यार इतनी सी जगह में डेड बॉडी आ गई थी रिडल्स है ना यही तो है मजा आ गया बट यार ये सही में बड़े इंटरेस्टिंग रिडल्स थे यार तो गाइस सच सच बताना आपका सर घूमा इतना ज्यादा नहीं घूमा खुद ही रिडल्स लाया खुद ही अब इनको हम पहले से देख कर नहीं लेके आ सकते ना वरना तो हमें आंसर पता होंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी वीडियो करें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक वाले रिडल्स हो जिसका ये एक भी आंसर नहीं दे पाए MCQ भी ना दे पाए देख लिया ना मेरे चाहे आंसर लॉजिक वाले ना हो मतलब कि उसमें लॉजिक ना निकाल पाऊं बट आंसर सही देती हूं ठीक है सारे नहीं दिए लेकिन जितने दिए ठीक है मेरी तो भाई ये डिटेक्टिव की पोस्ट कंफर्म है और हां आप लोग भी ये सारे केस हराने वाली है सारे के सारे बूम के बक्सी बनेगी आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए तो गाइस जल्दी से जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे 1K होने में हमें सपोर्ट करिए यस गाइस सो गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो टिल देन बाय